भजन संहिता 116 उसके 16 और 17 पद में लिखा है, यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के काम का वर्णन करता रहूंगा। आप परमेश्वर को यदि कुछ दे सकते हैं तो वह है, वह आपसे केवल यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान उसके प्रति कृतज्ञ हो। क्या आपने उसे कभी अपने जीवन के लिए उस उद्धार के लिए धन्यवाद कहा है? क्या आपने उसे आज के दिन के लिए धन्यवाद कहा है? ओह, एक नया दिन देखना कैसा सौभाग्य है। वही एक व्यक्ति है जिसने आपके पापों को अपने ऊपर में लेकर के आपके बदले में बलिदान हुआ। क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम उसको धन्य कहें? मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा एक मित्र है जिसकी एक प्यारी सी बेटी थी, बड़ी हुई और उसका उसने विवाह कर दिया। जब वह विवाह करके चली गई तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे एक अनजान पुरुष के साथ जाते देखकर उसका दिल छोटा सा हो गया और उसको स्मरण भी हुआ कि वह कैसी थी, क्योंकि वह व्यक्ति प्रभु की सेवा करता था, अर्थात वह अधिकांश समय घर से बाहर रहता था और यही कारण था कि वह अपनी बेटी को जाते हुए देखकर दुखित हो रहा था। उसे इस बात का स्मरण आया कि जब कभी भी वह बाहर जाता था सेवकाई के लिए, उसकी बेटी उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आती थी। तो एक दिन उसने कहा, पापा, हम आपको सिर्फ बाय कहने के लिए आते हैं और जब आप घर पे आते हैं तो आप ज़्यादा समय नहीं देते हैं, क्या आप थोड़ा और अधिक समय हम सब के साथ बिता सकते हैं? उसका कहना यही था कि वह अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय दे, लेकिन वह नहीं दे पाता था। इन सब बातों को स्मरण करके उसने एक पत्र अपनी बेटी को लिखा, मैंने तुम्हें निराश किया है, मुझे क्षमा कर दो। उसने पत्र लिखा और कहा कि आपने मुझे निराश नहीं किया है, मैं आपके सब उपकारों के लिए आपकी आभारी हूँ। मेरे मित्रों, उसका यह धन्यवाद उसके लिए बहुत ही मायने रखता था, लाखों रुपए के चेक से भी अधिक कीमती था, क्योंकि वह उसे इस धन्यवाद से बढ़कर कुछ नहीं दे सकती थी। जी हाँ, यह कैसी अद्भुत बात है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। भजनकार गाता है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, मैं उसे धन्यवाद दूंगा। यदि हम चूक जाएं तो इब्रानियों का लेखक कहता है, इब्रानियों की पत्री 13:15 पद में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। ओह मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को एकमात्र जो कुछ दे सकते हैं वह है धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय पिता के लिए यह कैसा मूल्यवान है। मेरे मित्रों, हम भजन संहिता 117 में पढ़ते हैं जिसका विषय है परमेश्वर की विश्वव्यापी स्तुति के निमित्त हालेलुया। यह भी एक हालेल भजन है और श्रृंखला का सबसे छोटा भजन है। मैं आपको फिर स्मरण कराना चाहता हूं कि हलेल 113 से 118 भजन और इसराइल के तीन महान पर्वों पर गाए जाते थे, फसह, पिंतिकोस और झोपड़ियों के पर्वों पर। फसह के पर्व में कटोरा 7 बार घुमाया जाता था और हर बार जब कटोरा घुमाया जा रहा है, सहभागी इन भजनों में से एक भजन गाते थे। कुछ टीकाकारों का कहना है कि भजन 113 और 114 भोजन से पूर्व गाए जाते थे और भजन 117 और 118 भोजन के बाद गाए जाते थे। जो भी हो, महत्वपूर्ण बात यही है कि वे गाए जाते थे। भजन 118 उनका अंतिम गीत होता था। मत्ती सुसमाचार 26:30 उसके 30 पद में लिखा है कि भजन गाने के बाद वे जैतून पर्वत पर गए। जी हाँ, भजन 117 सबसे छोटा भजन वरन बाइबल का सबसे छोटा अध्याय भी है। इस कारण इसे अनदेखा करने का संकट उत्पन्न होता है। तो आइए हम भजन संहिता 117 उसके एक पद को पढ़ें।
हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। ध्यान दीजिए, यह की स्तुति करो अर्थात हल्लेलुया। भजन संहिता 117 के 2 में लिखा है, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। हमें इन महत्वपूर्ण पदों को हल्के रूप से नहीं देखना है। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, यह स्पष्ट रूप से भविष्य संबंधित है। उस समय हर एक स्थान पर सब जातियां, सब मनुष्य, सब कुल और सब भाषाएं यहोवा की स्तुति में सहभागी होंगे और उसे प्रभु मानकर उसकी आराधना करेंगे। क्या आज संसार में ऐसा होता है? क्या आप अपने स्थान में ऐसा कुछ देखते हैं? क्या आप संसार को परमेश्वर के निकट आता हुआ देखते हैं? शताब्दी के आरंभ में ऐसा समय था जब सहस्त्र वर्षीय राज्य के आगमन की आशा थी। यदि उस समय को यह कहता कि महाक्लेश का युग आएगा तो उसे देश निकाला दे दिया जाता। हे जाति जाति के लोगों यहोवा की स्तुति करो। मैं पूछता हूं कि यहोवा की स्तुति करने वाली जातियां कहाँ है? उसकी आराधना, सराहना और उसे समर्पण करने वाली जातियां कहाँ हैं? आज ऐसी कोई जाति नहीं है। भविष्यद् वक्ताओं का संदेश था कि एक दिन सब जातियां यहोवा की स्तुति आराधना करेंगी। जकर्याह 2 अध्याय के 11 पद में लिखा है, उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी और मैं तेरे बीच में वास करूँगा। और तब जकर्याह 14 उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। स्पष्ट है कि सब जातियां अर्थात सब जातियों द्वारा आराधना करना इसराइल द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यह सब पूरा कब होगा? मेरे विचार में इसका उत्तर इस छोटे से भजन में पाया जाता है, सब जातियां यहोवा की स्तुति कब करेंगी? पद 2, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। यह हम जो शब्द है किसे दर्शाता है? इसराइल को। एक दिन ऐसा होगा जब परमेश्वर इसराइल पर दयावान होगा। यह महाक्लेश के बाद होगा जब प्रभु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। उस समय वह इसराइल वरन सब जातियों पर करुणा बरसाएगा। उस समय मीका कहता है 7 अध्याय के 20 पद में, तू अर्थात यहोवा याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा। अब यशाया 54 उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। अतः हे मेरे मित्रों, आप देख सकते हैं कि यह भजन भविष्य की चर्चा करता है, जब सब जातियां यहोवा की स्तुति करेंगी। क्या नए नियम में इस विषय पर टिप्पणी है? जी हाँ, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 15 में यरूशलेम की सभा का उल्लेख है। वे सब यहूदी विश्वासी थे और भविष्यवाणियों के प्रति उलझन में पड़े हुए थे, वे पूरी क्यों नहीं हुई? सभा के अंत में याकूब ने कहा पद 14 में, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर यही कर रहा है, अन्य जातियों में से अपने लिए एक लोग बना रहा है, उन्हें एक देह बना रहा है। याकूब आगे कहता है, इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें।
अतः आप देख सकते हैं कि यह भजन भविष्य की चर्चा करता है, जब पृथ्वी का हर एक प्राणी यहोवा की स्तुति करेगा। मेरे प्रियो, आप अपने कोने में संभवतः इसका प्रमाण देखते होंगे, परंतु यह अभी सत्य नहीं है कि सब जातियां यहोवा की स्तुति करती हैं। परंतु वह दिन आता है जब भजन संहिता 67 अध्याय उसका 7 पद पूरा होगा, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। भजन संहिता 117 एक महान भजन वरन भजनों में एक परमाणु बम है। जब यह बम फटेगा तब न तो आज परमेश्वर के राज के विचारक और परमेश्वर के राज्य को न मानने वाले कहीं दिखाई देंगे, वे ध्वंस हो जाएंगे। इस भजन की भविष्यवाणी प्रभु यीशु के पृथ्वी पर सहस्त्र वर्षीय राज के समय पूरी होगी, उससे पहले नहीं। ओह, वह कैसा महिमा का समय होगा। जी हाँ, यह की स्तुति करो, हालेलुया। मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 117 समाप्त होता है। अब हम भजन 118 में देखेंगे, जिसका विषय है अपनी मृत्यु से पूर्व प्रभु यीशु ने भजन गाया। हलेल भजन समूह का यह अंतिम भजन है। अतः हम जानते हैं कि हमारे प्रभु ने यह भजन अपनी मृत्यु से एक रात पहले अपने शिष्यों के साथ गाया था। उस रात अटारी में अनौपचारिकता का वातावरण था, परंतु श्रद्धा से पूर्ण था। वहाँ दुख था, आनंद था और आशा थी। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ फसा का भोजन खाया और उत्सव के अंतिम समय में से उसने एक नई बात उभारी। उसने नाशवान वस्तुएं ली, रोटी और दाखरस जो कुछ ही दिनों में सड़ जाते, और उसने एक स्मृति बना दी। वह न तो संगमरमर था और न सोना न चांदी थी, वह था रोटी और दाखरस जो उसका प्रतीक था। पुराने नियम में फसा के पर्व पर मेमने का मांस खाया जाता था, परंतु सुसमाचार में हम मेमने की चर्चा नहीं सुनते हैं, केवल रोटी और दाखरस का उल्लेख किया जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेमना तो वहां उनकी सेवा कर रहा था। वह क्रूस के मार्ग पर परमेश्वर का मेमना था जो घात होने जा रहा था। रोटी और दाखरस उसकी स्मृति है जब तक वह फिर ना आए। भजन 118 उन्होंने उस घातक रात में गाया था। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 30 पद में लिखा है, भजन गाकर वे बाहर चले गए, जिसके कारण भजन 118 हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि फसा के भोज में कटोरा 7 बार घुमाया जाता है। जब 7वीं बार कटोरा आया तब यीशु ने कहा, मैं यह कटोरा अब तुम्हारे साथ नहीं पीऊंगा, और उसे आगे बढ़ा दिया, मैं इसे पिता के राज्य में नए सिरे से तुम्हारे साथ पीऊंगा। उसने पहले ही कह दिया था कि वह उद्धार का कटोरा पिएगा, और उसने क्रूस पर उसे पिया। प्रभु यीशु परमेश्वर का मेमना था जिसने अपना लहू बहाया, और कटोरा उसके लहू में नई वाचा था। उसने कड़वा कटोरा पिया कि हमारा कटोरा मधुर हो। ओह, परमेश्वर हमारे साथ कैसा भला है। भजन संहिता 118 उसके 1-3 पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इसराइल कहे, उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। अब हम कहें, उसकी करुणा सदा की है। हम सब यहोवा का धन्यवाद करें क्योंकि वह भला है। भजन संहिता 118 उसके 4-6 पद में लिखा है, यहोवा के डरवैये कहें, उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरे मित्रों, यह भजन हमारे प्रभु यीशु ने गाया था, और वह निर्भय होकर क्रूस पर गया। उसने पुकारा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 46 पद में इसे पाते हैं। इसका भेद है, परमेश्वर मसीह में संसार का अपने से मेल करवा रहा था। जी हाँ, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 19 पद में हम इसे देख सकते हैं। आइए हम आगे देखें, भजन संहिता 118 उसके 7-8 पद में, यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है,
मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। क्या आपने मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा है? यह सीखने हेतु एक अद्भुत शिक्षा है। एक प्रसिद्ध वकील ने एक बार कहा, युवावस्था में मेरा मसीही जीवन नाश हो गया था। मैं एक मनुष्य को मानता था, परंतु उसने मुझे निराश किया। मैंने सीख लिया कि मुझे मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है। जी हाँ, यही बात मेरे जीवन के साथ भी हुआ। एक बार मैंने अपने मित्र पर भरोसा रखा, परंतु मैंने उस मित्र से धोखा पाई। भजनकार कहता है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है परमेश्वर पर भरोसा रखें। जिस रात हमारे प्रभु ने यह भजन गाया, उसने ग्यारहों को देखा। एक तो उसे पकड़वाने चला गया था, वे ग्यारह भी उसका साथ छोड़ देंगे। उस रात वे भेड़ों की नाई तितर बितर हो जाएंगे। मनुष्य में भरोसा न रखें मेरे प्रियो, वे आपको गिरा देंगे। प्रभु यीशु ने हमें इस बात की शिक्षा दी है। प्रभु यीशु में विश्वास करें तो निश्चय ही वह आपके साथ होगा। भजन संहिता 118 उसके 9 से 12 पद में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा का नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों के आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है। रोम साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी और रोम ही ने प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया था। जिस दिन वह क्रूस पर मरा, उसी दिन वह राज्य विनाश को नियत हो गया था। उसके दिन सीमित हो गए थे। वह सहस्त्र वर्षीय राज्य मानवीय इतिहास में समाप्त हो जाएगा, परंतु ख्रिस्त विरोधी के नाम में फिर उदय होगा। भजन संहिता 118 उसके 14 पद में लिखा है, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। इस अद्भुत अंश में मुक्ति का स्तुति गान है या उद्धार का गीत है। भजन संहिता 118 उसके 15 से 17 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मेरे मित्रों, यह हमारे प्रभु के पुनरुत्थान का संदर्भ है। यहाँ एक बात और है, इसराइल बना रहेगा। भजन संहिता 118 उसके 18 पद में लिखा है, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मसीह मृतकों में से जी उठा। यहेजकेल नबी ने इस बात को स्पष्ट किया है। उनमें स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर कब्रें खोल देगा और संसार की सब जातियां बाहर बुलाए जाएंगे। भजन संहिता 118 उसके 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। मेरे प्रियो, यहोवा का द्वार क्या है? प्रभु यीशु ने इसे प्रकट किया था यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 9 पद में, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। वह भेड़शाला का द्वार है। प्रभु यीशु ने यह भी कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तब हम देखते हैं भजन संहिता 118 उसके 21 पद में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। यहाँ एक और रूपक है। तब आगे लिखा है भजन संहिता 118 के 22 पद में, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह पत्थर प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 42 पद में इसे स्पष्ट किया है।
क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया था। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे दृष्टि में अद्भुत है। पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 6 से 8 पद में भी हम पाते हैं, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यह पत्थर प्रभु यीशु है। भजन संहिता 118 के 24 पद में लिखा हुआ है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। भजनकार का दिन से तात्पर्य क्या है? 24 घंटे का दिन? जी नहीं, वे दिन को समय के लिए भी काम में लेते थे, 24 घंटे के लिए भी और विशिष्ट बात के लिए भी। जैसे हम कहें आज स्वचालित वाहनों का दिन है। अब यह दिन क्या है? वह उस दिन की चर्चा कर रहा है जिसे यहोवा ने बनाया है, उद्धार का दिन। 2010 वर्ष पूर्व हम इसमें मगन और आनंदित होंगे। हम उद्धार के दिन में आनंदित हैं। मेरे प्रियो, यहां विश्वास की पुकार है, होशाना, अर्थात अभी बचा लो। यह वही शब्द है जो जनसमूह यीशु के यरूशलेम प्रवेश पर पुकार रहा था। भजन संहिता 118 उसके 25 और 26 पद में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। प्रभु ने इसे अंतिम बार मंदिर शोधन के बाद कहा था, तब वह यरूशलेम के लिए रोया था, जिसे हम मत्तयी सुसमाचार 23 अध्याय उसके 38 और 39 पद में पढ़ते हैं, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। भजन संहिता 118 के 27 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है, यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। मेरे प्रियो, यह प्रभु यीशु की क्रूसित अवस्था का चित्रण है, आपके और मेरे लिए चढ़ाई गई बलि। तब हम भजन संहिता 118 उसके 28-29 पद में पढ़ते हैं, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। मेरे मित्रों, काश मैं आपको किसी प्रकार समझा पाऊं कि आपको और मुझे यहोवा की स्तुति करना है। मैं अपनी देह में संकुचित एवं बंद हूं, काश मैं एक फूल के समान खुलकर अपने परमेश्वर के लिए स्तुति और धन्यवाद चढ़ा पाऊं। ओह मेरे मित्रों, मुंह के बल गिरकर उसकी आराधना करना, उसके नाम की स्तुति करना और उसका महिमान्वन करना ही सर्व महत्वपूर्ण है। उसने हमसे प्रेम किया और अपने प्राणों की आहुति हमारे लिए दे दी। काश हमारा प्रेम उसकी सराहना और स्तुति के लिए उस तक पहुंच पाता। आइए आज हम अपने जीवन में इस बात को गंभीरता से लें और परमेश्वर की आज से स्तुति करें।